हाय गाइस, आज बहुत लोग पूछे थे कि जो सबा कमर और बिलाल से इनके ऊपर न्यूज़ आई है, अरेस्ट वारंट जो उनके ऊपर आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो पहली चीज़ है कि वो जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि उनने मस्जिद में शूटिंग की थी, एक म्यूज़िक वीडियो किया। मुझे यही याद नहीं कि म्यूज़िक वीडियो रिलीज हुई है या नहीं, क्योंकि बिलाल से सिंगर हैं, सबा कमर एक्ट्रेस हैं, तो आपको पता है वो फिर म्यूज़िक वीडियो ऐसी बनती है। तो इसमें अब क्या है कि एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि वो रिलीज़ हुई या क्या, उन्हें अपोलोजाइज किया, मगर ये मंथ पहले की बात है कि ये हुआ था कि अब इन पे वो केस हुआ था। अब वो ये कि वारंट जारी कर दिया उन पे। तो अब क्या है कि ये जो साल है ना दोनों के लिए अभी थोड़ा सा ही रहता है, बट इसको हम थोड़ा कवर कर लेंगे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से, मतलब कि हम दोनों को मिलाएंगे और देखते हैं कि क्या होगा। तो पहले तो अगर हम देखेंगे लेफ्ट पे, तो ऑफकोर्स अब अगर हम राइट पे बिलाल से तो आगे जाते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या है कि सबा कमर, अब वो एरीज है, वर्ड नंबर 5 है। अब इनका क्या है कि जो एरीज होते हैं वो बहुत बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत बहुत आउटस्पोकन होते हैं। इसमें भी कभी कभी उसका आ जाता है डिफरेंट चीज़ों का, मून साइन, एसेंडेंट, वीनस, ये सारा कुछ, बट वो फिर वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी और शायद बाद में जब इन पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें फिर हमें पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो 2021 है वो फिर ऐड होता है इनटू 5, मगर इसमें क्या है कि इवन दो ये 5 के लिए वैसे लोग कहते हैं ये अच्छा नंबर है, स्पेशली जो भी आपका ईयर ऐड होता है, बर्थ नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 5 में आते हैं जो 5 को पैदा होते हैं, 14 को पैदा होते हैं, 23 को पैदा होते हैं। तो सबा कमर अप्रैल 5 को पैदा हुई है, अभी इनकी एज है 37। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एरीज को लो तो वो है मार्स है, वो बहुत ही क्या कहते हैं फायरी प्लैनेट है, और जब हम इसको करें बर्थ नंबर 5 वो है एयर से, मर्क्यूरी से। तो इसमें क्या होता है कि जो 5 यूजली होता है ना, 5 होता है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लेके आने वाले वाले लोग, और एक कॉन्सेप्ट जो पहले से है उसको एक ओरिजिनल वे पे प्रेजेंट करना। जैसे अगर हम देखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से पहले थी, बट उस कॉन्सेप्ट को जो आगे लेके गए मार्क जकरबर्ग है, वो नंबर 5 है। अगर हम देखें कि शेविंग भी जो थी, जो उसका मॉडल था, हर चीज़ किट जो भी थे, उसका डिज़ाइन हर चीज़, उसको किसी और ने ईजाद किया था, बट किंग जिलेट जो थे, जिनका अभी भी सबसे बड़ा नाम है, लगा इट्स सिनोनिमस विद शेविंग इट सेल्फ, वो फिर वो आगे लेके आता है, वो जनवरी 5 को पैदा होते हैं। उसी तरह फिर आपको ऐसे ऐसे वेरिएशंस मिलेंगे कि लास्ट जो किंग था किसी कंट्री का, आई थिंक जो फ्रांस का था, वो जिसको मारा गया था उस रेवोल्यूशन में, वो भी नंबर 5 था। और फिर अगर जैसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर जो हैंग हुआ था साउथ एशियन कंट्री से, वो भुट्टो है, जो नंबर 5 जनवरी 5 को पैदा होता है। तो आपको बहुत नंबर 5 के वेरिएशन ऐसे मिलते हैं। अभी जैसे अगर हम देखेंगे इमरान खान एक नंबर 5 है, और वो भी आए हैं आफ्टर क्या कहते हैं बोल, जो एक मेजोरिटी पार्टीज थी पीपीपी और पीएमएलएन, वो कभी आ रही थी पावर में कभी जा रही थी, बीच में मुशर्रफ भी आया, बट बात ये थी कि बहुत देर बाद एक ऐसी पार्टी आई जो माइनॉरिटी में थी, इवन दो काफ़ी साल लगे, बट फिर इमरान खान ने भी नंबर 5 अचीवमेंट किया। अगर हम फिर से नंबर 5 पे उन पर भी आए तो पहला वर्ल्ड कप भी उनने ये वो जीता था पाकिस्तान के लिए, और फिर शौकत आदम भी शायद पहला कैंसर हॉस्पिटल था। ऐसे ऐसी अचीवमेंट होंगी कि वो पहले से बनाई हुई चीज़ होगी, फाउंडेशन होगी उसकी, बट नंबर 5 वाले लोग उसको आगे लग जाएंगे। अब सबा कमर का भी केस देखें, उनने शादी नहीं की, ये भी उनके बारे में यूनिक है, और दूसरी बात और भी होंगी जिनने नहीं की होगी, बट एक और हम चीज़ देखेंगे कि वो जो है ना जो करती हैं रोल्स, मतलब कि उनने जो कंदील बलोच का रोल किया बागी में, और ऐसे ऐसे रोल जो बिल्कुल क्या कहते हैं बहुत ब्रेव और औरत ही कर सकती है, लाइक ऐसे अपने आप को उसके तरह करना, उसको क्या कहते हैं बॉडी करना उस रोल को, वुमन के इश्यूज के बारे में आउटस्पोकन होना। तो अगर आप देखें तो इनको एरीज के अलावा, और एरीज भी स्पेशली इसमें एरीज आता है क्योंकि एरीज लोग ना अनलेस उनका मून साइन शायद वाटर में आए, जो थोड़े से लाइक इतने आउटस्पोकन करने नहीं आते होते, या जो जैसे अगर उनका मून साइन जो एक होता है, जो इमोशन का साइन होता है, वो अर्थ में आए वो इनको रोकेगा, बट अगर इनका मून साइन ऐसा मैंने देखा नहीं, बट अगर नंबर 5 को देखें, नंबर 5 वैसे ही बहुत वोकल होता है, वो मर्क्यूरी से है, तो मर्क्यूरी जो होता है वो राइटिंग में भी, अगर वो आपके सामने वोकल नहीं है तो राइटिंग में हो जाएंगे वोकल, किसी ना किसी तरह वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। मर्क्यूरी जो प्लानेट है वो प्लानेट है कम्युनिकेशन का, वो जेमिनी और वर्गो को रूल करता है, और उसमें भी क्या कहते हैं कि जब एरीज को रूल करना शुरू हो जाए किसी एरीज नेटिव को, तो जो उनकी आउटस्पोकन नेचर है वो बहुत ज़्यादा ही बाहर आ जाती है। और साथ हमने आप देख लिया कि उनकी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और के बाकी भी इन्हें जो भी के लाइफ में यूनिक है सारा कुछ ऐसा किया। तो इनके ऊपर जो अब केस आया ये क्या है कि नंबर जो ये है ना साल नंबर 5 लोग के लिए, वैसे ही अब तो खत्म ही होने वाला है, 4 महीने रहते हैं। इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि जो नंबर 5 है वो चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जो इसमें क्या है कि ये नंबर 5 सबके लिए ही चेंज का है, वो नंबर 4 और 8 के लिए ज़्यादा वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो लोग
जो है उनको उस तरह का जो 5 है ना उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता वेल, बट फिर भी ये नहीं है कि अगर आप 4 या नंबर 8 है आप अच्छा नहीं जाएगा आपका इतना साल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि आपको किसी किसी से लेनी पड़ती है रीडिंग। बट द थिंग इज कि सबा कमर का जो है उनका अब जो है ये ईयर इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, क्योंकि उनने आई थिंक उन्हें एक अच्छा ड्रामा किया था या नहीं मैं इतना याद नहीं, बट ये है कि उनकी कोई अचीवमेंट भी होगी बहुत बढ़िया साल या होगी होगी, मे बी इस पास में इतने ड्रामा नहीं सकता, बट उसके साथ ही उनकी कोई लाइक चेंज, क्योंकि इनको नंबर 5 का स्पेशली ये होता है कि बाकी लोगों का शायद पॉजिटिव हो नेगेटिव हो एक एक चेंज होगा बड़ा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नंबर 5 के साथ एक बड़ा चेंज होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव चेंज होगा बड़ा, तो ये फिर इनका एक नेगेटिव अब इनका इंडिया मीडिया में भी आ रहा है कि हिंदी मीडियम स्टार को वो कर दिया, रेस्टोरेंट जारी कर दिया, तो है तो नेगेटिव ही ना इनके रेपुटेशन पे वो है उसका, अगर हम देखें कि वो जस्ट है या ना जस्ट हो तो बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो जाएगी इसके साथ जो। अब फिर हम देखेंगे कि मुझे लगता है वैसे तो अभी वो मैं एंड में कहने लगा था, बट चलो मैं एंड में कह दूंगा कि दोनों का क्या एंड में होगा इस न्यूज से रिलेटेड। पहले हम बिलाल से इसको देख लेते हैं, बिलाल से है सजिटेरियस ही, आंखों से पता चल रहा है ऐसी आंखें सजिटेरियस की ही होती हैं जिनकी इस तरह की शेप होती है, और साथ उसका हम देख लें बर्थ नंबर 3। अब जो नंबर 3 ये है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, क्योंकि सजिटेरियस भी जुपिटर से है और बर्थ नंबर 3 भी जुपिटर से है। अब क्या होता है कि इसमें ज्यादा जुपिटर ना बहुत डेंजरस है, इवन ए जुपिटर जो है ना वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर है, क्योंकि उसमें लक जो है ना लक जो फैक्टर जो इट्स लाइक बेसिकली सेजिटेरियस का बहुत वो कहते हैं कि लकी है ये वगैरह, बट नहीं मुझे बहुत सेजिटेरियस में जानता हूँ इतने लकी नहीं है। बेसिकली क्या है सेजिटेरियस का कि वो लकीयर देन अदर्स है, मतलब कि जैसे दो लोग हैं एक का इतना एक्सपीरियंस है दूसरे का बहुत एक्सपीरियंस है, दोनों को जॉब से लेट गो कर लिया, तो हो सकता है जो एक्सपीरियंस वाला हो उसको अपने टाइप की जॉब ना मिले और जो इनएक्सपीरियंस वाला हो उसको अपने से ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए इन द शॉर्ट टर्म, तो ऐसा करते हैं वो उस जॉब के साथ क्या करता है ये सेजिटेरियस पर्सन वो उसी को बताएगा, उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उनका जैसे जैसे अगर उनका अर्थ अर्थ साइन हो मून साइन तो फिर ये लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है कि जो इनकी होती है ना लॉन्ग टर्म थिंकिंग वो आ जाती है, ये लोग ना पास्ट का सोचते हैं ज़्यादा ना फ्यूचर का, मैं तो कहूँगा ये बस हेयर इन द नाव में रहते हैं, इसलिए ये सबसे कम साइन है जो डिप्रेस हो सकते हैं लिटरली चाहे इनका जो भी मून साइन हो। उसके साथ ही इसका क्या फॉल्ट है कि अगर आप बर्थ नंबर 3 ले आओ तो पहले से हमने आपको दिखा दी कि जुपिटर जो है वो हेयर एंड द नाव का सोचता है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, इट हैज़ इट गुड एंड बैड थिंग्स कि वो डिप्रेस नहीं होता, बट ये है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता तो उससे बाद में जाके स्पेशली 40s में जाके लक उल्टा होना शुरू हो इनके ऊपर आ जाता है, मतलब कि जो इतना गुड लक इनको दिया था अगर इन्हें सही तरह यूज़ नहीं किया तो इन पे बैड लक आ जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स होता हूँ उनको कहता हूँ कि स्पेशली अगर तुम लोग सेजिटेरियस हो हमेशा कोई बैकअप प्लान रखो, कोई स्ट्रॉन्ग डिग्री में करो कि अगर वो दूसरा जो आप लोगों ने बिजनेस किया है कोई ऐसे शोबे में चलेंगे कि एक्टिंग या ये वगैरह उसमें कोई फिर आपको उधार देना पड़ रहा है वापस कुछ भी लाइक एक एक चीज़ सक्सेसफुल हो रही बट दूसरी नहीं हो रही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे सेजिटेरियस जो एंड में सक्सेसफुल होते हैं 40s में, क्योंकि उस वक्त बैड लक पीरियड होता है वो होता है कि उनका एक स्टेबल डिग्री होती है जिसमें वो वापस जा सकते हैं स्टेबल करियर पे जा सकते हैं। अब नंबर 3 जो है वो सबसे लकी नंबर है, वो भी सेजिटेरियस की तरह है, जैसे अगर हम देखें जेफ बेजोस है वो नंबर 3 है, इवन दो वो कैप्रिकॉर्न है मून साइन सेजिटेरियस है, तो उसमें आप देख लेंगे जो उन्हें बहुत रिस्क ली हुई है बट बहुत सोच समझ के रिस्क ली हुई है, तो इसमें भी और इसमें ना थोड़ा आ जाता है क्लैश, जैसे क्या कहते हैं कि उनका भी इवन दो ओवरऑल वो रिस्क टेकिंग है बट बहुत ही वही जो मैं ऐसे कहता कि सोच समझ के रिस्क लेना ऐसा करके, तो काफ़ी कुछ हो सकता है उनका फ्लॉप भी है, और कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर इतने रिस्क टेकिंग नहीं होते, जैसे आप देखेंगे जस्ट थोड़े उस साइड पे जाने ऑफ द जुपिटर बर्थ नंबर 3 एटसेट्रा, बर्थ नंबर 3 वैसे ही लोग जो होते हैं वो मैं कहूँगा इवन अगर जैसे मैं भाई इसलिए भी कैप्रिकॉर्न का मैंने एग्जाम्पल दिया, कैप्रिकॉर्न यूजली लकी नहीं होता, वो सिर्फ मैं कहूँगा वो अनलकी साइन होते हैं और वो फिर अपनी मेहनत से कमाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको एक ट्रायल्स ऑफ जो सैटर्न होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है, फिर बर्थ नंबर 3 उनको बेहतर करता है। अब इनका जो केस में इनका जो बिलास है टू मच आई वुड से ऑफ द नंबर जुपिटर, तो इसमें क्या होता है बंदा ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाता है, हो सकता है इनको पहले से पता हो कि यार हो सकता है ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का हो बट हो सकता है इनका भी हाथ हो उसमें कि ये म्यूजिक वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अभी वैसे ये अर्ली 30s में फिर बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि जब ये सेजिटेरियस का सही जो डाउनफॉल इफेक्ट होता है वो 40s के अंदर आता है, अगर उससे पहले आए तो मिड 30s में आ सकता है बट यूजली 40s के अंदर आता है, वहां पे ना जो जो भी इनको लक दिया अगर इन्हें उस लक को थोड़ा या बहुत ज्यादा अब्यूज किया तो वो फिर इनके ऊपर ही वापस आता है एज बैड लक, और फिर क्या होता है कि फिर वो जाके फिर डिप्रेशन और इन चीज़ों में चले जाते हैं, बट बेसिकली वो क्या होता है कि वो लक पे नहीं रिलाई कर सकते, तो ऐसा होता है, तो मगर मुझे लगता है
कोई भी चीज होने वाली है, 32 के हैं वो 37 की है, और प्लस जो ये साल नंबर 3 के लिए भी लकी है क्योंकि 5 उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, तो एंड में वैसे ही बेलेबल है, तो बस यही होगा कि वो लोग पैसे दे के, इन बहुत केसेस अगर कुछ भी वर्डिक्ट हो तो पैसे दे के बच जाएंगे, तो ऐसा ही है क्योंकि दोनों के साइंस ऐसे हैं। और दूसरा हमें देखना चाहिए कि दोनों ना फायर साइंस है, तो ये वैसे ही ना अथॉरिटी के अगेंस्ट होते ही हैं इन सम वे और अनदर, रेबेलियस साइंस है। तो इसमें क्या है कि बस ये जो बिलास सैयद है इनको बस लाइक इनके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं, और मुझे लगता है कि ये खत्म नहीं होनी, क्योंकि इनका क्या है कि इन लोगों ने अभी जो 30 पीरियड है ना, इनका टेस्टिंग टाइम है, टेस्ट करेगा इसको जुपिटर, इनको टेस्ट करेगा जुपिटर बहुत साइड्स है इन नंबर 3 और वो सारा कुछ। अगर इनका शायद बर्थ नंबर थोड़ा डिफरेंट होता, थोड़ा स्टेबल वाला होता है 8 या 4, तो शायद बेहतर होता है इनके लिए, ये इस प्रॉब्लम में ना फंसते हैं। बट जब इनको एक जुपिटर दोनों साइड से, मतलब जुपिटर पहले से टेस्ट कर रहा है और एक तरफ से दूसरा जुपिटर आके टेस्ट कर रहा है, तो उसमें फिर कुछ बुरा हो सकता है इनके साथ, इन द सेंस दैट ये अपनी मिस्टेक से ना लर्न करें और करियर एंडिंग मूव्स कर लें, फिर देखा जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान में करियर एंड होना और कई वेस्टर्न वर्ल्ड में करियर एंड होना बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोशिश लोग करते हैं करियर एंड होना, बट बंदे का अगर पीछे पैसे हो, प्रोड्यूसर वो होती हो, या अगर प्रोड्यूस करें अपनी चीज़ें, तो कौन इनको रोक सकता है, क्योंकि ये है तो ये जो सोसाइटी ये फेवर करती है मनी को, ये मनी से ही रूल होती है सोसाइटी, तो फिर हो सकता है ये फुल बच जाए, हो सकता है कुछ ना, बट जैसे ये एक्शंस कर रहे हैं मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं नजर आ रही। मुझे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा क्योंकि दोनों साइड से जुपिटर, तो ये भी हो सकता है मिड 30s टू अर्ली 40, मिड 30s अगर अर्ली ऑन बोले 36 35 तब से डाउनफॉल हो, या इन द 40s होना शुरू डाउनफॉल, बट सबा कमर का मैं कहीं से भी डाउनफॉल नहीं देख सकता। बस ये होगी उनकी मैरिड लाइफ शायद थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन है, तो उनको फिर ऐसा पार्टनर ढूंढना होगा जो इनका ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट अट्रैक्ट करना होगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, बाकी तो प्रोफेशनल लाइफ की अच्छी जा रही है, और फिर क्या कहते हैं इनकी, मुझे लगता है बिलाल सईद की शादी इतनी अच्छी नहीं जा रही, बट सबा कमर का भी ज़्यादा लोग उनकी शादी के बारे में जानना चाहेंगे, तो एज लॉन्ग एज वो अपने ऑपोजिट से शादी करें तो अच्छा जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।